अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है समोसा चाट। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये इमली ली है और इसको मैंने भिगो दिया था पानी में, नीम गर्म पानी लेके उसमें मैंने इसको भिगो दिया था। तकरीबन 2-1 घंटे के लिए इमली को भिगो दी है। अब मैं यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं सबसे पहले ओनियन ऐड कर रही हूँ और मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून और 2 टमाटोज हैं उनको मैंने काट लिया है। अब मेरे प्याज जो है उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया और अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें डाल रही हूँ। इसको मैं अब थोड़ा सा फ्राई करूँगी और साथ ही मैं टमाटर और जो मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं वो मैं डाल दूंगी और इसको मैं फ्राई कर लूंगी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से उसका टमाटर भी जो है वो मिक्स हो जाए और पेस्ट बन जाए। अब मेरे पास ये ड्राई मसाले हैं, इसमें से मेरे पास नमक है, ये कुछ धनिया है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और ये मेरे पास चिली पाउडर है, सब 1 टेबलस्पून है। अब जब मेरा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें चिक पीस ऐड कर दिए हैं, मेरे ऑलरेडी बॉयल हैं चिक पीस। तो अब मैंने उसको थोड़ी देर फ्राई किया और अब इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मेरे जो चिक पीस हैं ऑलरेडी गले हुए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए 5 मिनट के बाद जो है जो मेरे चने हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे साइड पे और ये अब मेरे पास वो इमली का पल्प जो है उसको मैंने स्टेन कर लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर जार में और इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ा सा मिंट, ग्रीन चिलीज मैंने 3 से 4 ऐड किए हैं और ये मेरे पास मसाले हैं, ये मेरे पास शुगर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा, नमक, मेरे पास है 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ली है और ये मेरे पास चाट मसाला है। इनको मैंने उसमें जो इमली का पल्प था उसमें ऐड किया और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और अब देखिए ये मेरे पास समोसे हैं और इनको मैंने फ्राई कर लिया। अब समोसों को सबसे पहले मैंने डिश में रखा और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्पून के साथ तोड़ लिया है। अब जो हमने वो चने तैयार किए थे वो डाल रही हूँ मैं। अब मेरे पास ये सिंपल योगर्ट है उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड करके और उसको बीट कर लिया था, तो बेसिकली ये स्वीट योगर्ट है मेरे पास, वो मैंने एक तह लगाई है। अब हमने ये जो वो चटनी ऐड की थी इमली वाली उसको मैं ऐड कर रही हूँ, ये खट्टी मीठी चटनी है। और अब उसके बाद मैं ऊपर ये मैंने ओनियन जो हैं उनको मैंने काट के तो वो स्प्रिंकल किए हैं, साथ थोड़ा सा कोरिएंडर और मिंट था उसको मैंने ऐड किया और ये टमाटर ऐड किए हैं। अब फिर से दोबारा से मैं ऊपर जो मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ और अगेन थोड़ी सी स्वीट योगर्ट ऐड की है और थोड़ा सा मैंने मिंट रायता ऐड किया है। अब मैं ऊपर ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और देखिए अब हमारी जो चना समोसा चाट है वो हो गई है तैयार। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है आपको ये पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।